इस वक्त हम खड़े हैं चेंबूर कैंप इलाके पे, जो कि काफ़ी भीड़ भाड़ वाला रास्ता माना जाता है। यहाँ पे आपको जो है हमेशा रास्ते पे आपको भीड़ भाड़ दिखेगी और अच्छे अच्छे दुकान है यहाँ पे, जहाँ जिसकी वजह से हमेशा लोग यहाँ पे खाने के लिए कपड़े के लिए आते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये रोड जो है आज पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है, किसी भी तरह के लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, एक कदम लोग जो दिख रहे हैं जिनको कुछ अपना कुछ इमरजेंसी है जिसकी वजह से यहाँ पे वो बाहर निकले हुए हैं। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान किया था कि जनता कर्फ्यू रखने के लिए, लोगों को आह्वान किया था कि जनता कर्फ्यू के द्वारा ही हम जो है इस कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं, और इस चीज़ का यहाँ पे मुंबई में जो है पूरी तरह से आपको 100% रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं चेंबूर के झामा चौक पे, जो कि काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका माना जाता है। चेंबूर जो इलाका है और इस इलाके में हमेशा की तरह सा है, सुबह हो शाम हो या रात हो, यहाँ पे आपको रात को 2 बजे भी अगर आप आएंगे, 12 बजे भी रात को अगर आप आते हैं, तो यहाँ पे पूरी तरह से भीड़ भाड़ ही आपको मिलेगी। काफ़ी ऐसे दुकानें हैं जहाँ पर लोग खाने के लिए आते हैं, कपड़े के लिए आते हैं। हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे झामा शॉप जो है, वो शॉप में मिठाई की शॉप है जो कि काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। कम से कम भी वहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो सुबह से लेकर के रात तक उनके दुकान पे जो है वो लाइनें लगी रहती है। और आज यहाँ पे जिस तरह से प्रधानमंत्री का आह्वान को लेकर के जनता कर्फ्यू के नाम पे जिस तरह से दुकान को बंद किया गया है, रास्ते को बंद किया गया है, वो साफ यहाँ पर दिख रहा है। इक्का दुक्का लोग यहाँ पर जो दिख रहे हैं वो भी उनकी कुछ इमरजेंसी वजह से वो बाहर निकले हुए हैं, नहीं तो प्रधानमंत्री का जो आह्वान था कि जनता कर्फ्यू, वो पूरी तरह से यहाँ पे 100% रिजल्ट यहाँ पे मुंबई में दिख रहा है। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ संदेश श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।